तो कैमरे के मामले में आईफोन 12 प्रो आज भी आईफोन 13 और 14 से ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, और खासकर उन लोगों को पसंद आता है जो कि प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे व्लॉगिंग या रील्स वगैरह, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। तो अगर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो जो नॉर्मल आईफोन है आईफोन 12 13 14 इसमें मेनली हमें बैक में दो ही कैमरे देखने को मिलते हैं, एक तो अल्ट्रा वाइड एंगल और एक जो अपना मेन लेंस जो कि 1x या 24 मिलीमीटर की फोकल लेंथ देता है। लेकिन जो प्रो वाली सीरीज है जैसे 12 प्रो उसमें हमें मिलता है थर्ड कैमरा जो कि गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें हमें 2x वाला लेंस मिलता है जो कि ऑप्टिकल जूम करता है 2x या 48 मिलीमीटर पे आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो 2x जूम बहुत ज्यादा तो होता नहीं, नॉर्मली होता है, तो यही इसकी जो USB है क्योंकि एक परफेक्ट फोकल लेंथ है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मल 1x पे फोटो खींचोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आप जिस भी चीज की फोटो खींच रहे हैं तो वो काफी पिचका हुआ दिखेगा, या फिर अगर आप कोई टेलीफोटो लेंस से फोटो क्लिक करोगे जैसे 3x 4x या उससे भी ज्यादा जूम में तो वहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है काफी वाइड आएगा और ये दोनों ही फोटो जो है रियल नहीं लगती देखने में, मतलब जैसा आप आंखों से देखते हैं उस तरह की रियल। पर अगर आप 2x पे फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पिक्चर है उसकी बिल्कुल रियलिटी दिखेगी, क्योंकि ये चीज पहले ही प्रूफ हो चुकी है, जो हम अपनी आंखों से रियल लाइफ से देखते हैं जैसा एंगल वही सेम टू सेम एंगल हमें जो है 48 मिलीमीटर के आसपास दिखता है। मतलब कि अगर आप 2x पे फोटो खींच रहे हैं तो उसमें बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसलिए अगर आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर से पूछोगे आपकी फेवरेट फोकल लेंथ क्या है कैमरे की तो उसका एक ही आंसर होगा जो कि होगा 50mm के आसपास, जो कि 2x या 2.1x के आसपास होती है। तो अगर आप फोन से प्रोफेशनल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो वहाँ पे 2x वाला कैमरा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे और भी काफी सारी एंड्रॉइड फोनों में 2x वाला लेंस आता है, लेकिन आईफोन की खासियत यह है कि हमें 2x पे भी 4K 60fps रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी इनसेन है। तो अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आईफोन 12 प्रो और 13 का कैमरा कंपैरिजन चल रहा है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि 12 प्रो का कैमरा काफी तगड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन 13 और 14 का कैमरा बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे लेटेस्ट आईफोन्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पे कैमरे का सेंसर काफी बड़ा होता जाता है। उससे फायदा यह है कि कैमरे में लो लाइट कैपेबिलिटी काफी बढ़ती जाती है, तो अगर कोई बंदा लो लाइट में बहुत ज्यादा कैमरा यूज करता है तो उसके लिए वहां पे 12 प्रो से बेटर आईफोन 13 होगा, क्योंकि उसका मेन कैमरा काफी अच्छा है लो लाइट के मामले में। लेकिन अगर कोई आउटडोर में बहुत ज्यादा वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने की सोच रहा है तो वहां पे हमें जो है थोड़ी जूम की कमी महसूस होगी आईफोन 13 में, और शायद इसी कमी को महसूस करते हुए नॉन प्रो वाली सीरीज जैसे आईफोन 15 उसमें भी 2x का ऑप्शन दे दिया है। तो इसलिए आईफोन 12 प्रो का कैमरा वहां पे परफेक्ट कहलाया जाएगा, क्योंकि तीनों ही लेंस होने के पास आपके पास फ्रीडम रहती है, आप कैसी भी फोकल लेंथ पे जो है फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैं 1x से फोटो क्लिक कर रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है तो यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ 0.5x पे, या फिर किसी कंडीशन में मेरा ऑब्जेक्ट काफी दूर है तो यहाँ पे मैं 2x पे क्लिक कर सकता हूँ, और हर बार जो मेरी पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल एक्सीलेंट होगी, कहीं पे भी लॉस नहीं होगा क्वालिटी में। तो स्मार्टफोन कैमरा को लेकर आप क्या सोचते हैं, लेटेस्ट आईफोन्स लेने चाहिए नॉन प्रो वाले या फिर 1 साल या 2 साल पुराने प्रो वाली सीरीज लेनी चाहिए?